दोस्तों चलिए एनालिसिस करके देख लेते हैं कि आज वोडाफोन या फिर एस बैंक, इन दोनों स्टॉक्स में से कौन सी स्टॉक को खरीदना सही रहेगा और कहाँ पे बढ़िया मौका बन रहा है, कौन सी कंपनी के फंडामेंटल्स अभी ठीक चल रहे हैं। दोस्तों हालांकि देखा जाए तो वोडाफोन और एस बैंक दोनों के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ चल रहे थे, लेकिन आज के टाइम में इन दोनों स्टॉक्स के यानी इन दोनों कंपनियों के फंडामेंटल्स कैसे हैं इसको हम लोग चेक करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सी स्टॉक को खरीदना चाहिए, कौन सी स्टॉक को अवॉइड कर देना चाहिए। दोस्तों करंट में अगर आप देखेंगे आइडिया वोडाफोन की स्टॉक का प्राइस चल रहा है 13 रुपए के आसपास, और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा एस बैंक की स्टॉक की प्राइस की बात करें तो एस बैंक के स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब करीब 24 रुपए के आसपास। अब दोस्तों यहाँ पे कैसे हम कंक्लूजन निकालें कि कौन सी स्टॉक को खरीदना ज़्यादा बेटर रहेगा, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्राइजेक्शन देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्राइस बिहेवियर को चेक करते हैं, क्योंकि प्राइस बिहेवियर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों तो लास्ट वन डे में जो यहाँ पे प्राइस बिहेवियर बना हुआ थोड़ा सा कहीं कहीं बाइंग का रिकमेंडेशन देता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये देखेंगे डबल टॉप का पैटर्न जैसा बनाया हुआ है, लेकिन अगर लास्ट 5 डेज में देखेंगे तो लगातार ऊपर के लेवल से इस स्टॉक में अभी भी कहीं कहीं गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लास्ट वन मंथ में भी ओवरऑल प्राइजेक्शन यहाँ पे जो बना हुआ है दोस्तों निगेटिव ही है, कहीं भी मुझे अभी स्ट्रेंथ इस स्टॉक में दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम डिविडेंड की बात करें दोस्तों तो डिविडेंड भी यहाँ पे नील है, यानी कि डिविडेंड भी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है कि अगर हम बैलेंस शीट को चेक करते हैं, यानी कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आइडिया वोडाफोन में देखेंगे तो -65 पॉइंट के आसपास है, मतलब परसेंट के आसपास है। आप खुद ही सोचिए कि इस स्टॉक की वैल्यूएशन मुझे लगता है अभी आज के डेट में भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। वहीं अगर हम दोस्तों एस बैंक की बात करें तो एस बैंक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, और इंट्राडे के अंदर लगभग 2% की तेजी भी बनी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम दोस्तों चेकआउट करते हैं प्राइस बिहेवियर को, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे स्ट्रांग प्राइस बिहेवियर बना हुआ है और स्लो एंड स्टेडी ये ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लास्ट 5 डेज में देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनेरियो आया इस स्टॉक में भी, लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप को स्टॉक संभालने लगा और करेंट में ठीक ठाक प्राइस बना के ऊपर निकल रहा है। लास्ट 1 मंथ में भी अगर दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ खास यहाँ पे देखेंगे स्टॉक में गिरावट देखने के लिए नहीं मिली है, जो गिरावट हुई भी है उसको कहीं कहीं अब रिकवरी करने के मोड में ये चल रहा है स्टॉक। दोस्तों यहाँ पे भी डिविडेंड है नहीं, यानी कि डिविडेंड तो नील है, लेकिन एक चीज़ एस बैंक के साथ काफ़ी अच्छी है, जो कि पिछले क्वार्टर में या पिछले फाइनेंशियल ईयर में गड़बड़ चल रही थी, वो नेट प्रॉफिट मार्जिन है। यानी कि पिछले तो फाइनेंशियल ईयर में खराब बैलेंस शीट थी और इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस में था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों ओवरऑल देखेंगे तो 275% के आसपास है, ईयर टिल डेट के हिसाब से लास्ट 6 मंथ का 8.94% के आसपास है। कहीं कहीं एस बैंक का फंडामेंटल और वैल्यूएशन थोड़ा सा सुधर रहा है पिछले क्वार्टर और पिछले फाइनेंशियल ईयर की अपेक्षा। अब हम दोस्तों चार्ट के ऊपर समझेंगे, तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के चार्ट को देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों देखेंगे एस बैंक के चार्ट को, क्योंकि चार्ट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, चार्ट ही सब कुछ आपको बताता है, चार्ट ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको क्लियर ट्रांसपेरेंसी देता है कहाँ पे हम लोगों को खरीदारी करके चलना चाहिए अगर हमारा मूड है खरीदारी करने का। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके पास एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट दोस्तों करीब करीब हम इसको मान के चलते हैं, ये सपोर्ट हमारा जो बन रहा है करीब करीब 12 रुपए के आसपास बन रहा है। हालांकि इसको हम लोग 13 रुपए ले सकते हैं, लेकिन 1 रुपए मैंने नीचे लिया है, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि 200 ईएमआई है और इसके नीचे भी कुछ ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो पिछला जो एरिया है कहीं कहीं यहाँ से प्रीवियस ये बाउंस बैक स्टॉक किया था। दोस्तों हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो मुझे स्ट्रेंथ इसमें ये दिखाई दे रही है कि इस स्टॉक को अगर आप खरीदते हैं तो इसका जो अगला टारगेट होना चाहिए वो 20 रुपये तक का ऊपर साइड का होना चाहिए। हालांकि इसके नीचे 12 रुपए का ये जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया है, ये 12 रुपए के लेवल को तोड़ना नहीं चाहिए, ये काफ़ी स्ट्रांग लेवल यहाँ पे बना हुआ है। इसका पहला जो टारगेट है दोस्तों 20 रुपए का है, 20 रुपए के बाद आप लोग यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं, अगर ऊपर निकलता है तो हो सकता है 25 से 28 रुपए का टारगेट आपको आइडिया वोडाफोन में मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पहले तो बिल्कुल ये फ्लैट सा सीनारियो दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट करेंट लेवल में दिखाई दे रहा है। दोस्तों हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादातर
रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन बना हुआ है, ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी बनी हैं लेकिन कम बनी हैं। ओवरऑल यहाँ पे जब भी कोई बाउंस मिलता है सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं इसी स्टॉक को सेल करने के लिए। अगर हम यहीं पे देखेंगे एस बैंक के स्टॉक को, तो जस्ट वेट, ओके, तो एस बैंक की अगर हम दोस्तों यहाँ पे स्टॉक के प्राइस की बात करें, देखेंगे आप तो थोड़ा सा कहीं कहीं एक स्ट्रॉन्ग ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन बना के स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ, प्रॉफिट बुकिंग के बाद साइडवे था, साइडवे के बाद ब्रेकआउट मिला, सिमिलर वही ब्रेकआउट के बाद साइडवे गया, यहाँ अगेन ब्रेकआउट मिला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे करेंट में एक काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस हमको मिल रहा है और ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी है। करेंट में 20 रुपये के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो एस बैंक के पास 20 रुपये का ये स्टॉप लॉस आपको लगा के खरीदारी करना चाहिए। और वीकली वाले टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हैमर जैसी कैंडल बनी हुई है। इस कैंडल को आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनी हुई है, मतलब आप समझ सकते हैं कि 20 रुपये के लेवल को जैसे ही ये स्टॉक टच किया यहाँ पर एक हैवी बाइंग हुई और यहाँ पर देखेंगे हैवी बाइंग का ऑर्डर फ्लो देखने के लिए मिला। इस हैमर को देखने से पता चलता है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा बायर्स एक्टिव हैं और इसका जो अगला टारगेट है दोस्तों, करीब करीब इसका जो टारगेट है ये टारगेट हम लेकर चल सकते हैं यहाँ से लेकर करीब करीब 32 रुपये तक। पहला टारगेट 32 रुपये का होना चाहिए, 32 रुपये के ऊपर निकलता है दोस्तों तो दूसरा टारगेट जो लेकर चल सकते हैं आप करीब करीब 40 रुपये तक का मैक्सिमम टारगेट लेकर चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों अगर मैं कंपनियों के स्टॉक्स का एनालिसिस करके और जो मुझे कंक्लूजन मिला ये पता चला मुझे दोस्तों कि आइडिया वोडाफोन के स्टॉक को आप सेकेंडरी बाइंग ऑप्शन रखिए और अगर प्राइमरी बाइंग ऑप्शन रखना है आपको तो वो एस बैंक के इस स्टॉक्स को आप खरीद सकते हैं। इसका कहीं कहीं फंडामेंटल मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, चार्ट का फॉर्मेशन भी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर टारगेट्स भी थोड़ा ठीक ठाक आपको मिल रहे हैं। और ओवरऑल देखें दोस्तों तो कहीं ना कहीं मुझे चार्ट का और जो ओवरऑल मैंने फंडामेंटल चेक किया और जो भी मुझे वैल्यूएशन समझ में आई उसमें एस बैंक मुझे प्राइमरी बाइंग सोर्स ऑफ लगता है। ठीक है, तो आप लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से, दोनों स्टॉक एनालिसिस मैंने दे दिया है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि आपको आइडिया वोडाफोन का स्टॉक खरीदना चाहिए या फिर एस बैंक के इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये जो स्टॉप लॉस बताया है ये स्टॉप लॉस इजिली टूटना नहीं चाहिए, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है और टारगेट पहला आपका 32 रुपये का होना चाहिए। यहाँ पर एक बार आप लोग प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेना 50%, और दूसरा आप टारगेट लेकर चल सकते हो 40 रुपये तक का मैक्सिमम टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ऊपर मिल जाता है वेल एंड गुड, लेकिन 40 रुपये के पहुंचते ही इस स्टॉक में कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग आप लोग जरूर कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे ठीक ठाक कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस तो ओवरऑल ठीक ही बनी है, काफ़ी बेस बनाया है, नीचे सपोर्ट फॉर्म किया है तो ईजिली ये स्टॉक नीचे नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पे अभी एक अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम पे हैमर जैसी कैंडल बनी हुई है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को हेल्प मिल पाया होगा कि आइडिया वोडाफोन के स्टॉक का आपको एनालिसिस मिल गया कि आइडिया वोडाफोन को खरीदना चाहिए या फिर एस बैंक को खरीदना चाहिए। दोस्तों हालांकि पिछले क्वार्टर और पिछले फाइनेंस में आइडिया वोडाफोन और एस बैंक दोनों के यहाँ पे जो फंडामेंटल्स हैं वो दोनों कंपनियों के ख़राब थे और इनका रिजल्ट्स भी काफ़ी बैड था, लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप को सुधार रहे हैं, अपनी कंपनी के फंडामेंटल्स को, बैलेंस शीट को सुधार रहे हैं, तो कहीं कहीं आगे चल के फ्यूचर में ये आपको अच्छे इन स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि दोस्तों आज का मेरा पहला प्रेफर यही रहेगा कि आप लोग एस बैंक के स्टॉक को खरीद सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर अपना रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करते हुए। दोस्तों हालांकि एक अच्छी चीज़ यहीं मुझे समझ में आ रही है जो कि इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन मुझे अच्छा पॉजिटिव समझ में आ रहा है। ओवरऑल यहाँ पे 275% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है, ये काफ़ी पॉजिटिव सेंस हमको देता है। दोस्तों चलिए अब हम मिलते हैं फिर एक और स्टॉक एनालिसिस में, तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपको हमेशा लर्निंग के वीडियोस मिलते रहें और आपको स्विंग ट्रेड्स के आइडियाज़ मिलते रहें तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि आपको ये वीडियोज़ हमेशा सबसे पहले मिले। दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर एक और नए लर्निंग एनालिसिस वीडियो में, तब तक लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।